नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ पटना के गांधी मैदान में। और यहाँ प्रभात खबर की ओर से ऑटो शो लगा है और यहाँ पूरे भारत भर के जो है कार कंपनियाँ और ऑटो बाइक जो है उसके जो कंपनियाँ हैं वहाँ आई हैं एग्जीबिशन में, अपने जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जो नए नए व्हीकल्स आए हैं मार्केट में उसका डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए और ग्राहकों को अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार अमृत जी, न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ ऑटो शो जो प्रभात खबर की ओर से लगा है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? अपना नाम पहले बता दें परिचय। मेरा नाम सनी कुमार हुआ जी, पटना से। पटना से ही हूँ। ऑटो एक्सपो में हमारा भी एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, आसियाना हुंडई की तरफ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। आसियाना हुंडई का हमारा भी एग्जीबिशन लगा है और एंड मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ ये कमांडो काफ़ी बेटर बाइक है। आप जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, एग्जीबिशन के साथ प्रोग्राम भी किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। जिस प्रोग्राम को मैं आप देख सकते हैं वो पैसन एटीट्यूड गोल की तरफ से किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ हर एक कंपनियों की गाड़ियाँ आई हैं जिसका ऑटो एक्सपो हो रहा है। कुछ कंपनियों के नाम बता दें, जस्ट लाइक आसियाना हुंडई एंड फॉक्स वैगन एंड फॉर्ड मारुति सुजुकी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनी। इस बाइक की क्या खूबियाँ हैं जरा बताएं? ये बाइक कमांडो है, यूए मोटर की तरफ से ये प्रोड्यूस किया गया है और एक अच्छी बाइक है। इस प्रीमियम बाइक में ये आता है ये गाड़ियाँ। क्या कीमत है इसकी? ऑन द एवरेज इसका बाइक का कीमत 280 2,80,000 2,80,000। क्या पटना की सड़कें हैं इस बाइक के लायक? क्या पटना की सड़कें हैं इस बाइक के लायक चलाने का? ऑब्वियसली ये मार्केट में नई नई प्रोडक्ट पहली बार आई है पटना? नहीं, इसे आए हुए करीबन एक साल हो रहा है। अच्छा, एक साल होने को जा रहा है। नमस्कार जी, मैं रंजन कुमार अमृत दी न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ राजधानी पटना में प्रभात खबर की ओर से ऑटो शो का आयोजन किया गया है। अपना परिचय देंगे सर? जी, मैं शेर अहमद खान, प्रभात खबर कॉमर्शियल देखता हूँ जी। और ये ऑटो शो हम लोग 2012 से हम लोग हर साल कंटिन्यूस कर रहे हैं पटना में, और ये अपने आप में एक अनोखा शो है क्योंकि इतने सारे ऑटोमोबाइल कभी भी किसी भी शो में एक साथ नहीं आते हैं। तो ये हम लोगों का एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है राजधानी पटना में? ये पिछले 8 साल से हो रहा है लेकिन हम ही लोगों के माध्यम से हो रहा है। इस बार जो लगी है ऑटो शो, उसकी क्या खूबियाँ हैं? उसकी खूबियाँ ये है कि इसमें बैटरी वाली बाइक है और साइकिल जो है वो भी बैटरी से चलने वाली बिना पैडल के साइकिल यहाँ पे उपलब्ध है। और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जो अभी जस्ट लॉन्च हुई हैं, महिंद्रा की दो तीन गाड़ियाँ हैं जो जस्ट अभी लॉन्च हुई हैं, वो हमारे शो में उसको एग्जीबिशन किया जा रहा है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आज तो लगता है अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, आएं। यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, सारी कंपनियाँ अलग अलग डिस्काउंट दे रही हैं, आएं और इसका फायदा उठाएं, वो लाभान्वित हो। बुकिंग करा सकते हैं लोग? आज बुकिंग करा सकते हैं और ऑन द स्पॉट गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी। नमस्कार। यहाँ रॉयल इनफील्ड अम्बे मोटर्स का काउंटर है जहाँ यहाँ कौन कौन सी बाइक जो है उपलब्ध है दर्शकों के लिए, या कुछ क्या सुविधाएं हैं, विशेष क्या आकर्षण है आपके स्टॉल का? आकर्षण यही है कि रॉयल इनफील्ड के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और ये आज से नहीं 1901 से हमारी जो बुलेट के लिए फेमस है, बुलेट के लिए फेमस है। लोग बुलेट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना तो कुछ है नहीं, वो तो स्पेशलिस्ट है। यहाँ कुछ नए
हाँ, नए प्रोडक्ट नए व्हीकल हाँ, प्रोडक्ट में हमारी जो रॉयल एनफील्ड की जो न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च की गई है ये दो सेगमेंट में, एक इंटरसेप्टर ठीक है, एक इंटरसेप्टर है और एक जीटी कॉन्टिनेंटल है हमारी ठीक है। ये 1965 में आई थी, उस टाइम 750 cc ठीक है, और ये फिर कैफे रेसर के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है। लंदन में एक कैफे टू कैफे रेस हुआ करती थी, उस पर बेस्ड की ये गाड़ी बनाई गई थी मोटरसाइकिल वाली। इसकी विशेषता यही है और ये 650 cc, पहले 535 cc की ये आया करती थी, अब 650 cc में आया। विशेष रूप से जो आपकी जो बाइक्स होती है वो युवकों को ज़्यादा पसंद है और ये यूथ नहीं है, हमारी जो मोटरसाइकिल होती है ये सभी एज के लोग इसको वाले को, हाँ जैसे हमारे पास है, जैसे हमारी बुलेट में एक इलेक्ट्रा मॉडल आती है वो हमारे एजिट लोग जो कि पुराने ज़माने से चलते आ रही है बुलेट, उन लोगों को ज़्यादा पसंद होती है। उसके बाद हमारी उसके बाद क्लासिक आती है, एक आज भी एक स्टैंडर्ड मॉडल है हमारे पास जो कि जिसमें डिस्क ब्रेक और सेल्फ का यूज़ नहीं किया गया, उसको ट्रेडिशनल लुक में ही बनाया जा रहा है आज भी। और उसकी जो टैंक की जो डिज़ाइन होती है उस पर टैंक पे डिज़ाइन वो पे हैंड पेंटेड होती है ठीक है, वो हैंड पेंटेड दो लोग करते हैं हमारे रॉयल एनफील्ड में, राहुल जैकर और महेश जैकर, दो ट्विन ब्रदर हैं। एक बात बताइए, ये जो बुलेट बाइक होती है उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, उसको लोग आवाज़ सुन के बहुत लोग डर भी जाते हैं। उसको लीजेंडरी थंब के नाम से जाना जाता है, वो आज भी बरकरार है हमारी बुलेट की। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते कि बहुत नॉइज होता है। कुछ लोग पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बुलेट जो है कुछ लोग उन लोगों के लिए नहीं है जो कि जिनको पसंद है, उन लोगों के लिए जिनको रुतबा, वो सोचते हैं कि नहीं मैं बुलेट पे बैठ रहा हूँ तो ये मेरा रुतबा है ठीक है। और पहले ये तो ज़माने से जाना जा रहा है कि बुलेट जो है इन्हीं लोगों के लिए फेमस थी थानेदार ठेकेदार और रंगदार ठीक है, ये तीन लोगों के लिए, तो आप लोग को भी पता है, सारे लोगों को पता है बात। लेकिन आप जनरल हो गया, आप जनरल हो गया, आप सभी लोग बुलेट, वो आवाज़ नहीं है, अब जनरल हो गया, सब लोग को पसंद है बुलेट, जैसी आवाज़ चाहिए वैसा रख सकते हैं। आज के नौजवानों का सबसे पहला पसंद होता है बुलेट, बुलेट गाड़ी चाहिए तो बस बुलेट चाहिए। क्या रेंज है कीमत उसका कुछ? रेंज हमारे स्टार्ट तो मिनिमम कहाँ से कहाँ? मिनिमम स्टार्ट होती है हमारे 138,000 से, अभी 138,000 से लेकर के 325,000 ये अभी मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत पूरी जानकारियाँ दी और इसी तरह से आपकी जो कंपनी है उन्नति करता रहे, तरक्की करता रहे, युवकों में लोकप्रिय रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत जी, अमृत न्यूज़, पटना बिहार।